बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं करण नंदा जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप ये लगाया गया कि सीएम ऑफिस का गलत उपयोग इन उपचुनाव में किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इनको पूरे चुनाव में सीएम ऑफिस का जो इन्वॉल्वमेंट है कहाँ पर दिखता है। सीएम ऑफिस जो है इस पूरे के पूरे चुनाव में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो चार कार्यालय काम कर रहे हैं, जिसमें से प्रदेश कार्यालय शिमला, मंडी, फतेहपुर, ऊपर कोटखाई और अर्की, वो सारे जो है टूअर प्रोग्राम से लेके सारी चीजें बना रहे हैं। तो इनका ये आरोप जो है मैं जड़ से खारिज करता हूँ कि सीएमओ की कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन चुनावों में नहीं हो रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीएमओ में ये दबाव लोगों पर बनाया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ही वोट करें। देखिए, क्या इनके पास किसी प्रकार का कॉल रिकॉर्ड है? क्या इनके पास किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग है? क्या इनके पास ठोस सबूत है? कांग्रेस पार्टी की आदत है कि हवा में बात करते हैं और काल्पनिक झूठे जो आरोप है वो लगाते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे मानता हूं कि अगर इनके पास कोई आरोप सिद्ध है तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन हम कॉन्टेस्ट करने को तैयार हैं। जी, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो आईएन मेहता जो कि चेयरमैन है कांग्रेस लीगल सेल की, उनकी तरफ से शिकायत यहां पर दी गई है और कार्रवाई की मांग खुशाल सिंह ठाकुर पर भी की जा रही है। जी, हमारे को ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो होने जा रही है और ये आज ही हमारे सामने मामला आया है। पर अभी इलेक्शन कमीशन से हमें कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं आया है। हमने अपने लीगल सेल से बात करी थी तो वो जो ऑर्डर हमारे को बताया गया है 1990 का इस प्रकार का ऑर्डर है और वो थोड़ा स्पूरियस ऑर्डर है, क्लियर नहीं है। अगर आप देखेंगे उस पर क्लियर ऑर्डर पढ़ना है तो उसके लिए हम अपना जो लीगल सेल के माध्यम से शो कॉज नोटिस प्राप्त करते ही इस कंडीशन को जो है हम चैलेंज करने वाले हैं और जो निर्णय इलेक्शन कमीशन का होगा वो हम मान्यता देंगे। आज की अगर बात करें तो अविनाश राय खन्ना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी पार्टी से जाता है उसकी कभी भी वापसी नहीं होगी, यानी कि अब नो एंट्री। और सीधे तौर पर ये जो बयान था कहीं ना कहीं चेतन बरागटा पर है, कई मुश्किलें और ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्यकर्ता राजनीतिक आधारित दल है और वो कोई एक पारिवारिक जो राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता होते हैं और नेशनल लीडरशिप तक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो डिसीजन नेशनल बॉडी से होता है उसमें वो सारा विचार विमर्श करके होता है। और अगर आप देखेंगे अभी इन चुनावों में जो है कुल मिला के जो है 17 ऐसे परिवार के टिकट से जो कटे थे और निश्चित तौर पर जो पार्टी के विरुद्ध जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और फिलहाल जिस प्रकार से प्रभारी ने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वो पूरे मैदान में उतर करेगी और फिलहाल चेतन डॉक्टर जी के लिए अभी नो एंट्री है। जी, करण नंदा जी, आपसे आखिरी सवाल ये, क्योंकि देखिए कोविड नियमों का पालन करवाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन जो रैलियां लगातार निकाली जा रही, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से निकाली जा रही और विपक्ष की तरफ से, लगातार इन रैलियों में कोविड नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि रैली के ऊपर एक कैप लगा है कि आप 1000 लोगों की संख्या से ऊपर रैली नहीं कर सकते, तो 1000 लोगों से ऊपर कहीं भी जो है हम रैली नहीं कर रहे हैं। और छोटे छोटे जो हम एलईडी भी यूज करके है उस रैली को जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एलईडी के माध्यम से भी ये रैली पहुंच रही है। कोविड नॉर्म जो है उसमें जो मास्क वगैरह है वो जनता के बीच में जो है वो कार्यकर्ता लगा रहे हैं और जब तक इस प्रकार का कोई नोटिस हमारे को नहीं आता है तो हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि कोविड नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है। कोविड की मात्रा वैसे ही आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कम है और कोविड जो है वो धीमी धीमी से अभी कम भी हो रही है। और रैलियों में जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा उस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, हम भी अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। पर चुनावों में जो है वो एक लीडर की लोकप्रियता देखते हुए जो है वो शायद कार्यकर्ताओं से नहीं रहा जाता कि वो लोकप्रिय लीडर को छू सके, स्पर्श कर सके, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग शायद टूटनी होगी। शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी अब बयानबाजियां शुरू हो चुकी है।